हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कॉमर्स ब्लॉग में। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं टॉपिक वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम आज देखेंगे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और उसके पहले हम कुछ थ्योरिटिकल पार्ट इसका कर लेते हैं। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी और थोड़ा जो है, कई बार वीडियो तुरंत अपलोड होती है जब, तो कुछ टाइम लग जाता है अपलोड होने के बाद उसको प्रोसेस होने में, जिस वजह से जो है उसका क्वालिटी इनिशियल स्टेज में जब आप जस्ट अपलोड के बाद देखते हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। और अभी 2 दिन की छुट्टी है और ऑफिस से उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि उसके बाद चीज़ें मैनेज हो पाएँ। कई बार तो इस वजह से कुछ पर्सनल वर्क्स की वजह से नहीं मिल पाती हैं, पर कल और परसों जो है छुट्टी है और आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम सीधे जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं देखने फिनेंशियल स्टेटमेंट। हमने जो प्रोसेस सीखा था अकाउंटेंसी में कि जो शुरुआत होती है, आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपके साथ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना होता है। तो हमने जो प्रोसेस शुरू किया था वो था ओरिजिनल बुक में एंट्री का, बुक में एंट्री का जर्नल अगर बनाते हैं तो जर्नल पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम यहाँ से कहाँ बढ़े थे, सेकेंड स्टेप में हमारा जो है, जब ये बन जाता था तो हमने देखा था कि हम फिर यहाँ से लेजर की तरफ चलते थे, और लेजर के बाद जो हमारा होता था बैलेंसिंग, इसका हर अकाउंट का निकालते थे लेजर, समरी ऑफ ईच अकाउंट बेसिकली। तीसरे पार्ट में हम जो चलते थे, तीसरे पार्ट में हम चलते थे बनाते थे लेजर के बाद हम जो जाते थे वो ट्रायल बैलेंस पे जाते थे। और ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था कि जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है वो चेक हो जाती है। मोटे तौर पे हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी थी। और एक खास बात यह है कि ये तीन चीज़ें जो होती हैं यहाँ तक की, बेसिकली ये इतना पार्ट, ये किसमें आता है, ये आता है आपका बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। तो कोई पूछेगा बुक कीपिंग क्या है, तो आप बुक कीपिंग में बता सकते हो कि यहाँ तक का जो सफर होता है वो बुक कीपिंग में आता है। और अब हम इसके आगे का प्रोसेस पढ़ने चल रहे हैं। इसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, अब हम सेकंड फेज में चल रहे हैं। वो सेकंड फेज, इसको हम जो है नाम दे सकते हैं फेज 1, और इसको हम नाम दे सकते हैं फेज 2। तो फेज 2 में जब हम नाम देंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। और फेज 2 में जो चौथा स्टेप होगा वो हमारा बनाना होगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बेसिकली दो अलग अलग चीजें हैं ट्रेडिंग एंड पीएल, लेकिन बनती एक ही साथ है, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये हम बनाते हैं, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, लेकिन बनते एक साथ ही हैं। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम पॉइंटिंग देम एज ए पार्ट एंड बी पार्ट। नाउ द 5th 1 इज, एंड ऑल्सो वी कैन से लास्ट, बैलेंस शीट। नाउ द होल कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इज नोन एज अकाउंटिंग। वी अर्लियर वी हैव रीड दैट व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में हो गया, जो सबके सब समझे इसलिए हिंदी में क्लासेस चलती हैं। तो जो हमने देखा कि पहला पार्ट बुक कीपिंग का है और यहीं तक का खत्म हो गया। और अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म होता है जो बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करता है। तो अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग मीन्स बुक कीपिंग प्लस ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। और भी चीजें होती हैं अकाउंटिंग में, लेकिन मूलतः ये इतनी चीजें होती हैं। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं बाकी सारी चीजों की, तो इतना पार्ट हमको मिलता है। अब आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ने की इच्छा हो तो क्लास 11th की आप बेसिकली जो है एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के देख सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। डीके गोयल, TS अग्रवाल, ये सब बहुत लेंदी हैं। और जो भी अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी अकाउंट्स की,
अगर क्लास 11th के स्टूडेंट आप नहीं हो और अगर आप यूपीएससी में और नेट जेआरएफ के लिए नहीं पढ़ने जा रहे हो, हालांकि नेट जेआरएफ में भी जो है काउंटिंग में मोर देन इनफ है एनसीईआरटी, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अनटिल एंड अनलेस आप यूपीएससी के लिए या जो है बाकी अलग प्रिपरेशंस के लिए नहीं भाग रहे बहुत हायर, तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं चाहे बीबीए में आते हो चाहे बीकॉम में आते हो, लगभग ये पर्याप्त है आपकी एनसीईआरटी ने जितना यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कवर करते हैं। अब देखिए इतनी चीजें हमने समझ ली, अब ट्रेडिंग एंड पीएल है क्या इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली एक थ्योरी क्लास होगी, इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि थ्योरी पहले समझना इम्पोर्टेंट है, लोग सबका पढ़ाने का एक प्रोसेस होता है और कुछ लोग चीजों के इस हिसाब से लेके चलते हैं कि सीधे न्यूमेरिकल पे कूद जाते हैं। देखो किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, अगर आपको समझना है अकाउंट्स समझनी है आप क्यों नहीं समझते, आप सीधे न्यूमेरिकल्स पे भागते हो, थ्योरी आपको बोरिंग लगती है। अगर आपको किसी चीज को सीखना है अकाउंट्स सीखना है तो अकाउंट्स सीखने का रास्ता थ्योरी से है, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो तो भैया आप अकाउंट्स पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या पार्ट है कैसे पार्ट है। और ये फिर पुष्पा की इंक यहाँ फिर से आ गई, पुष्पा भैया जो है ये मिटने को तैयार ही नहीं होते हैं, ऐसी इंक दे दी है, परमानेंट मार्कर की इंक तो नहीं दे दी है भाई साहब ने, तो वेट करते हैं हम थोड़ा सा, एक बार इसको गीला करके पानी डाल के मिटाने की कोशिश करते हैं। एक महान दुकान वाले एक महान मैं, भाई साहब ने हमको दे दी थी परमानेंट मार्कर की इंक और उसको साफ करने में बोर्ड हालत खराब हो गई, कॉइलिन तक को जो है साथ लाना पड़ा, पर मामला बना नहीं, जो है इसको बाद में देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा कि ये प्रोसीजर था और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हम ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं वो है क्या। ट्रेडिंग एंड पीएल, देखो दो अकाउंट हैं एक साथ ही बनते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो इसको हम पीएल अकाउंट बोलते हैं। ठीक, देखिए इसको बेसिकली दो टुकड़ों में बांटा गया है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। ट्रेडिंग का अर्थ क्या है, ट्रेडिंग का अर्थ हम समझ सकते हैं व्यापार से है, किससे है व्यापार से। व्यापार का मतलब क्या होता है, व्यापार में हम क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ट्रेड पढ़ा है, ट्रेड मतलब परचेज सेल्स का काम आता है, तो मूलतः मूलतः परचेज या सेल नहीं, परचेज एंड सेल्स, या फिर जो भी अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान के चलो आप खरीद ही नहीं रहे आप खुद किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसको बेचोगे, तो यानी सेल्स आएगा ही आएगा, और अगर आप खुद किसी चीज को या तो परचेज करके बेचोगे और या खुद किसी चीज को मैन्युफैक्चर करोगे तो उस केस में आपका क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल्स जो लगेंगे, तो इतना पार्ट जो है हमारा ट्रेड में आएगा व्यापार में। अब आप ट्रेडिंग पीएल हर जगह पढ़ोगे कंफ्यूज रहोगे, लेकिन इन शॉर्ट बता देता हूं मेरे भाई कि व्यापार से संबंधित यानी परचेज और सेल्स, और अगर व्यापार परचेज का काम नहीं है व्यापार में, खुद किसी हो भी सकता है प्लस हम कुछ चीजें खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो खुद से जब कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज में ही शो हो जाएगा, साथ ही साथ आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे, बिजली लगाना पड़ेगा, तेल लगाना पड़ेगा और तब जाके कोई चीज मैन्युफैक्चर होगी, तो यानी कुछ डायरेक्ट मटेरियल्स होंगे। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब एक बिजनेस चलता है, क्या चलता है, एक बिजनेस एक व्यापार चलता है तो वो उसका मूल काम क्या होता है, ट्रेड का काम होता है, ठीक, सामानों को बेच के वो पैसा कमाएगा, लेकिन ये सीधे ये काम नहीं कर सकता है। ठीक, तो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज और होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि बिजनेस के मूल कार्य को क्या है, मूल कार्य, मूल कार्य क्या है, यानी आपका ये ट्रेडिंग वाला काम जो है ये मूल काम है। ठीक, तो मूल कार्य को करने के लिए डैश व्यवसाय चलाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए किए गए गए खर्च व अर्जित आय के
क्या अर्थ है भैया? जैसे आप बिजनेस चलाते हो जब आप, तो उसमें एक तो काम है आपका कि आप कुछ चीजें जो है आपका ये प्रोडक्शन सेल्स परचेस का मामला है, लेकिन कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको बिजनेस चलाने के लिए करनी पड़ती है। जैसे भैया व्यापार कभी ये नहीं कहता कि आप 20 लाइट लगा लो, व्यापार कभी ये नहीं कहेगा खूब बढ़िया फर्नीचर लगा लो, क्यों? क्योंकि ट्रेड में इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने बिजनेस की एडवांटेज रखने के लिए, बिजनेस को आगे रखने के लिए कई सारे खर्चे करते हो। आपने सामान का उत्पादन किया, उसका इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस आपने इसलिए करा लिया कि भविष्य में कोई अगर रिस्क होता है तो आपको लॉस कम हो, चोरी हो जाए या फायर वगैरह से लॉस हो जाए। लेकिन ये नहीं है कि इंश्योरेंस के बिना आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, इंश्योरेंस के बिना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यानी आप ये समझने की कोशिश करो कि व्यवसाय में दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि किसी चीज का, मूल चीज का परचेज सेल होगा, जो मेन प्रोडक्ट में जो है कंपनी काम कर रही है जिसमें सर्विस में, या उसका किसी न किसी तरीके से उत्पादन होगा। ये मुख्य कार्य हो गया जिस चीज को बेचा जाना है उससे संबंधित। दूसरा कार्य यह है कि बहुत सारी सहायक एक्टिविटीज व्यवसाय में चलती रहती हैं जो इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बड़े लेवल पे ले जाने के लिए, रन कराने के लिए की जाती हैं। तो वो सारी जो एक्टिविटीज होंगी आपकी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। यानी हमने ये समझ लिया कि जो ट्रेडिंग और पीएल बनेगा, ट्रेडिंग में हमारा सिर्फ मूल चीज जाएगा, दैट इज परचेज सेल्स, और अगर इससे रिलेटेड कोई चीज होगी, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो जाएंगे। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल्स, और इसको और अच्छे से कहें तो मटेरियल्स में सिर्फ सामग्री आएगी, रॉ मटेरियल वगैरह, तो इसको हम और अच्छे से कह सकते हैं इन टोटल कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वह सीधे खर्चे जो मूल प्रोडक्ट को बनाने को, मूल प्रोडक्ट क्या है जिसको कंपनी बेच रही है, उसको बनाने में किए गए हैं। उसके अलावा जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स, वो कहाँ आएंगे? वो आ जाएंगे पीएल में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ये कहाँ आ जाएंगी हमारी? ये हमारी आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इतनी चीजें हमने, मूल चीजें समझ ली, धैर्य पूर्वक हमको समझना है। अगर आप समझ ली हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये ट्रेडिंग और ये पीएल अकाउंट वगैरह है, ये सारी चीजें हैं, तो इसका कहाँ कैसे क्या एप्लीकेशन है, कैसे बनेंगी, कैसे काम होगा, तो ये सारी चीजें हम आते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमने एक मूल तौर पे जान लिया कि ट्रेडिंग और पीएल होते हैं, लेकिन अब हम ये जरा समझ लें कि इसके जो है यूजर्स कौन कौन है, किनको रिक्वायरमेंट होती है। तो यूजर्स ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल, तो यूजर्स में हम कहेंगे भैया, सबसे पहला यूजर जो होगा वो स्वयं जो है व्यवसाय का मालिक होगा। कौन होगा? स्वयं व्यवसाय का मालिक होगा, करंट ओनर। ये व्यवसाय से किस तरीके से संबंधित हैं, व्यवसाय के लिए बाहरी हैं या आंतरिक हैं? भैया मालिक है, मालिक जो है वो इंटरनल होगा। क्या होगा? इंटरनल होगा। अब देखो, मालिक को क्यों जानकारी चाहिए? देखो, मालिक पैसे इसलिए लगाता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से सारी इन्वेस्टमेंट, सारा व्यवसाय किया जाता है। तो इसलिए जो मालिक है, इंटरनल होगा व्यवसाय के लिए, वो यह जानना चाहेगा कि व्यवसाय प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका लगा है? मालिक का लगा है। आगे डिसीजन उसी के बेसिस पे कौन लेगा? मालिक लेंगे। दूसरे नंबर पे होते हैं मैनेजर्स। कौन होते हैं? मैनेजर्स। अब मैनेजर्स कौन है भाई? मैनेजर्स वो हैं जो व्यवसाय को मैनेज कर रहे हैं। अब ये बताओ, ये व्यवसाय के लिए आंतरिक हैं या बाहरी? भैया व्यवसाय के अंदर ही काम करते हैं, तो ये भी क्या होंगे? इंटरनल होंगे। अब इनको क्यों चाहिए होगा? इनको भैया इसलिए चाहिए होगा कि इनको, मैनेजर्स को सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि इनको एक तो प्रॉफिट का स्टेटस जानना होता है, दूसरा अपना जो मैनेजमेंट का इनका जो है पॉलिसीज मेकिंग होगी, वो पॉलिसी इसी के आधार पर ये बनाएंगे। बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो उस हिसाब से पॉलिसी बनती है, लॉस में जा रहा है तो उस हिसाब से। अब जैसे मान के चलो कि हमको ट्रेनिंग पे खर्चा करना है, तो अगर हमारा व्यवसाय जो है प्रॉफिटेबल है तो हम ठीक है ट्रेनिंग में लोगों को 5 स्टार होटल में रोक सकते हैं। व्यवसाय प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल कम से कम कॉस्ट में जो है जो ट्रेनिंग है वो कराई जा सके। ऐसे 1000 जो है डिसीजन होते हैं, हजारों डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट लेता है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे कौन आएगी? तीसरे नंबर पे हमारे गवर्नमेंट आएगी। अब एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट जो है इंटरनल है कि एक्सटर्नल?
तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली मतलब सीधे व्यवसाय के अंदर कार्य नहीं कर रही है, एक अलग संस्था है, तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल। अब इसको क्या चाहिए भैया? तो देखो, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होती है कि क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। नहीं, प्रॉफिट कमा रही है तो उस बेसिस पे सॉरी कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी टैक्स देगी, वो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, और इसलिए सरकार को जानकारी चाहिए होती है। साथ ही साथ बिजनेस में कहीं ना कहीं लोग जुड़े होते हैं, तो आम जनता का भी एक इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए कंपनी एक फेयर तरीके से, जो कंपनीज एक्ट के नियम कानून हैं या अलग पार्टनरशिप के हैं या सोल प्रोप्राइटर के हैं, जिस भी फॉर्म का आप बना रहे हो वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये जानने के लिए गवर्नमेंट को जानकारी चाहिए होती। हालांकि सोल प्रोप्राइटर का जब हम पढ़ते हैं तो ये सोल प्रोप्राइटर के केस में ये अपना जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ट्रेडिंग पीयर, बैलेंस शीट, ये जो है ये पब्लिश नहीं करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जब ये जो है अपना टैक्स भरते हैं, तो उस टाइम इनको पूरा रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है, क्या कैसे प्रॉफिट है। चौथा हमारा कौन है? तो चौथा जो है आप कह सकते हो पर्सपेक्टिव ओनर, या हम कह सकते हैं कि उसके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर आप कह सकते हो। अब ये एक ऐसे आदमी होता है जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करने की सोच रहा होता है, तो अभी व्यवसाय से जुड़ा नहीं है, तो एक्सटर्नल है। अब ये क्यों करना चाहेगा? तो भैया सीधी सी बात है, एक्सटर्नल जो ये पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये जरूर कोई भी आदमी पैसा जब इन्वेस्ट करेगा तो ये देख के इन्वेस्ट करेगा कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे। उसके अलावा बैंक है आखिरी पॉइंट। तो बैंक क्यों है भाई साहब? देखो, बैंक इसलिए है क्योंकि बैंक से एक तो ओवरड्राफ्ट, दूसरा जो है लोन वगैरह जो है लेते हैं। बैंक भी एक अलग संस्था है, तो एक्सटर्नल होगी। और ये बैंक को इसलिए चाहिए होती है इंफॉर्मेशन कि बैंक अगर लोन दी है तो क्या उस लोन की चुकाई हो पाएगी या नहीं, लोग जो बिजनेस है वो चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। और अगर लोन देने वाली है तो वो देखना चाहती है बैंक कि क्या हमारा व्यवसाय इतना समर्थ है कि हमारा जो पैसा है वो चुका पाएगा या नहीं। अगर कोई संस्था अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोन आसानी से चुका सकती है। लेकिन अगर कोई संस्था प्रॉफिट में है ही नहीं, लगातार लॉस में चल रही है, बहुत सारे डिप्ट हो गए हैं, तो ऐसे केस में फाइनेंशियल पोजीशन से साफ साफ पता चल जाएगा कि पैसा डूब सकता है। तो बैंक जो है इस केस में पैसा देने से बचेगी, लोन देने से बचेगी। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम एक बार चलते हैं फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या जो है फॉर्मेट है। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आज समझ लेते हैं, वो है टर्म कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक, अब इससे दो अलग टर्म निकलते हैं, वो हम बाद में समझेंगे, बड़े सरल स्पष्ट शब्दों में हम समझ लें। रेवेन्यू में से आप आर ई निकाल दो, रिवेन्यू। ठीक है, हम कह सकते हैं कि री अकर, कोई चीज बार बार हो, ठीक है, रीअकर होती है। ठीक, तो उसी लिए हम यहाँ रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में हम आर ई को अलग करके और वेन्यू कर देते हैं। ह्युंडई वेन्यू नहीं है, रेवेन्यू है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि बार बार क्या है, बार बार, तो जो घटना बार बार हो, ठीक, वो रीअकरिंग है। क्या है? रीअकरिंग, बार बार अकर हो जा रही है, रीअकरिंग। इसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू नेचर की चीजें। अब इसका अर्थ क्या है? ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं, हम कह सकते हैं ऐसी घटनाएं जो कम से कम साल में एक बार हों, एक बार हों। ठीक, कम से कम साल में एक बार हो, हर साल प्रत्येक अकाउंटिंग ईयर में कम से कम एक बार हो, और एक से ज्यादा बार भी हो सकती हैं, डेली हो सकती हैं, दिन में 4 बार हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? कम से कम साल में एक बार, रेगुलरली हर साल एक बार होने वाली चीज हो। कैपिटल ऑन द अदर हैंड, कैपिटल का मतलब हम क्या समझते हैं? कैपिटल को हम कहते हैं पूंजी। और पूंजी जब जब हम सुनते हैं तो जनरली कहते हैं जमा पूंजी, जीवन भर की कमाई। ठीक है, जीवन भर का, यानी एक जो इससे फील आता है कैपिटल से, हम ये कह सकते हैं कि हमको एक ये लॉन्ग टर्म का फील आता है। क्या आता है? लॉन्ग टर्म। जीवन पूंजी है, जमा पूंजी है, उनका सब कुछ बचाएं। कैपिटल मतलब एक
सैलरी को आप कैपिटल नहीं बोलते हो, क्यों? क्योंकि हर महीने सैलरी पा रहे हो तो आप उसको नहीं कहोगे कि हमारी जमा पूंजी। जमा पूंजी आप किसको कहते हो? जिसको आप वर्षों से सजो रहे हो, हर सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल रहे हो, कहीं रख रहे हो और कहोगे यही हमारी जमा पूंजी है। ठीक, तो पूंजी का मतलब एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं है या कॉमन नहीं है, जो सामान्य यानी कॉमन नहीं है। ठीक, कॉमन, अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जगह कुछ और चीजें हो, नहीं। यहाँ कॉमन का मतलब है कि जो व्यापार नॉर्मल व्यापार की साइकिल है, ट्रेड साइकिल है, एक अकाउंटिंग पीरियड है, वहां पे नहीं होती है। ये कुछ वर्षों में एक बार होती है, कुछ वर्षों में एक बार होती है। उदाहरण भैया क्या क्या है? तो रेवेन्यू का पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। तो भाई साहब, रेवेन्यू शब्द जब हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि आपके पिताजी की या आपका जो भी व्यवसाय होगा उसमें हर महीने आपको प्रॉफिट या सैलरी मिल रहा होगा। ठीक, सैलरी या प्रॉफिट, ये क्या है? हर महीने हो रहा है आपको। क्या है? हर महीने, प्रत्येक महीने हो रहा है। आप कह सकते हो कि आपको हर महीने क्या है? बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना पड़ता है। ठीक, अगर आप किराए पे रह रहे हो तो किराया आपको हर महीने देना पड़ता है, यानी हर महीने जनरेट हो जाते हैं। मोबाइल रिचार्ज आपको हर महीने देना पड़ता है। ठीक, इंश्योरेंस साल में कम से कम एक बार आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इंश्योरेंस हो गया, LIC हो गया। ठीक, आपको क्या है? साल में कम से कम एक बार पेमेंट एक किस्त की जाती है। अब लॉन्ग टर्म चीज क्या है? अभी हम घर के संदर्भ में समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपने टीवी परचेज की, क्या कर ली? टीवी परचेज कर ली, फ्रिज आपने परचेज कर ली। अब ये क्या है? ये क्या बार बार आप खरीदते हो, हर महीने खरीदते हो? नहीं, आपने एक बार टीवी ले ली, 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक चली खराब नहीं होती है तब तक आप बदलते नहीं हो। फ्रिज एक बार ले ली तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, जब तक चलती है आप लिए रहते हो। मोबाइल है, कम से कम आप 2 साल तो चलाते ही हो, नहीं 2 साल तो 1 साल के ऊपर चलाते हो। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, उसके अलावा आप कुछ ऐसी चीजें सोचो। ठीक है, कि आपने मान के चलो कि अपनी कहीं जमीन थी, जमीन को बेच दिया, तो ठीक है, जमीन को बेचा तो उससे पैसा मिला, तो आप रोज तो जमीन बेच नहीं रहे हो। तो अगर इस तरीके का काम कहीं हुआ, यानी फिक्स्ड असेट्स आपने बेच दी, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये नॉन रेगुलर हैं, यानी ये डेली बेसिस पे नहीं होते। आप रोज जमीन नहीं बेच रहे हो, ठीक है, रोज फ्रिज नहीं खरीद रहे, रोज टीवी नहीं खरीद रहे, रोज मोबाइल नहीं खरीद रहे। ऑन द अदर हैंड, जो हर महीने साल में कई बार अकर होने वाली चीज है, वो क्या है? जैसे सैलरी हर महीने मिलती है, प्रॉफिट हर महीने आदमी कमा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने जनरेट हो रहा है, सिलेंडर का बिल हर महीने, रेंट आप किराया हर महीने दे रहे हो, मोबाइल रिचार्ज हर महीने, इंश्योरेंस और LIC वगैरह की पेमेंट जो है साल भर में एटलीस्ट एक बार आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर में जान गए। रेवेन्यू नेचर की जो एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब एक साल का जो पीरियड होता है उसमें बार बार जो घटनाएं अकर हो, और कैपिटल ऐसी चीजें होती हैं जो कई साल में, कुछ साल में एक बार घटे, यानी ये कॉमन नहीं है। अब देखो ये भैया, अभी तो हमने ये पढ़ लिया रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, अब इसका जो है उपयोग कहाँ मिलेगा? मेरे भैया दो चीजें बिजनेस में होती हैं, या तो बिजनेस में एक्सपेंडिचर होगा और या तो बिजनेस में जो है रेवेन्यू होगा, मतलब आप कह सकते हो कि इनकम होगा, रिसिप्ट हम उसको बोलेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, अब देखो दोनों में दो दो चीजें आ जाएंगी। क्या है? कैपिटल आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। भैया अब हमने आपको कैपिटल यानी कई साल में एक बार होने वाला, आप ऐसे इसको शॉर्टकट में बना सकते हो, इसको लिख सकते हो नॉन रिकरिंग
और इसको क्या लिख सकते हो, रिकरिंग यानी बार बार होने वाला। री से री मिल गया, री से री मिल गया, ठीक है। और ये साल में कई बार, यहाँ साल में कम से कम, कम से कम एक बार। इसका आप एक गीत बना सकते हो, जो सब टर्म बनाते हैं, री से री मिल गया और कई बार हो गया। डोंट टेक इट अदरवाइज, हम लोग यहाँ थोड़ा प्रोडक्टिव चीजों में हैं तो फालतू की चीजों में नहीं जानते हैं। री से री मिल गया का मतलब हो गया कि रेवेन्यू नेचर और रिकरिंग यानी बार बार घटना होने वाली और साल में कई बार, यानी आपको पता चल गया ये री रेवेन्यू का सूत्र हो गया। और जब एक चीज है बार बार हो रही तो दूसरी चीज सीधी सी बात है बार बार नहीं होगी, तो कैपिटल आप सीधे समझ जाओगे, ठीक। अब भैया एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट क्या है, तो सीधी सी बात है एक्सपेंडिचर आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चे हैं, और रिसिप्ट आपको, रिसिप्ट का मतलब आपको मिल रहा है, क्या है, मिल रहा है, क्या मिलेगा, आय, आय है आपकी किसी भी तरीके से, आय या लाभ होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कई साल में एक बार खर्चे किए जाने वाले, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका जैसे हो जाएगा एग्जांपल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वगैरह परचेज करना, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हो गया कि आपने जमीन वगैरह बेच दी, फिक्स्ड असेट्स बेच दी, उससे पैसा मिल गया, या आपने कहीं लोन ले लिया, तो लोन ले लिया तो उससे जो है पैसा आपको मिल गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेंट दे दिया, बिजली के बिल दे दिया, जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस हैं वो। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो डेली बेसिस मिलते हैं, जैसे सेल्स आपने की और सेल्स से आपको पैसा मिल गया, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर ब्याज मिल रहा है रेगुलर, या कहीं शेयर परचेस किया उससे जो है आपको जो है डिविडेंड वगैरह रिसीव हो रहे हैं। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है यहाँ इसका जो है बन गया। अब मामला आगे देखते हैं। अब देखो जो प्रोसीजर है इसके आगे का, ये थोड़ा लंबा चलेगा चैप्टर, और अगर समझना है तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो है कोई शॉर्टकट इसका नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो सीधे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे, जिससे कि बहुत हेक्टिक चीजें ना हो और आपको समझ में आ जाए, ओवर डाइजेशन प्रॉब्लम ना हो जाए, ओवर ना हो जाए कंटेंट। तो थैंक यू वेरी मच।